मेरे साथ तो... लावण्या तुम बीच में मत बोलना। I said out! हेलो जी, आप कहाँ हैं? आप कब तक वापस आ रहे हैं? जल्दी आ जाइए, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ रानी साहिबा, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। घर के पास ही है, पर हुआ क्या? दी ये यहाँ क्या कर रही है? हमने ही नहीं यहाँ बुलाया। मतलब यहाँ क्यों? दी मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी है। कभी रेजिग्नेशन देने के लिए, कभी पार्टी में मिठाई देने के बहाने, पता नहीं कौन कौन से बहाने कर कर ये यहाँ आती रही है, और आज आप इसे यहाँ लेकर आई है। अपनी बातों से और शक्ल की बेचारगी से शायद इसने आप सबका दिल जीत लिया होगा, लेकिन मेरा नहीं। मैं इसका असली चेहरा देख चुका हूं। ऐसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। खुशी कुमारी गुप्ता, कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम्हें अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। इस घर में तुम्हें अपनी जगह नहीं बनाने दूंगा। अब बस करो, इट्स इनफ। जी यहाँ मतलब छोटी, हमारी बात तो सुनो। नहीं दी, बहुत सुन लिया। छोटे एक मिनट। एक मिनट भी नहीं नानी, इस लड़की के लिए मैं एक मिनट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जिस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बात काटने की हिम्मत की है और मुझे उल्टा जवाब दिया है, वो आज मेरे सामने मेरे ही घर में खड़ी है। निकल जाओ मेरे घर से। छोटे गेट आउट।
ही तुम्हारा घर है। हमें माफ कर दो छोटे, ती मेरा वो मतलब ती मैं प्लीज दरवाजा खोलो। दी का जरूरत थी खुशी को इस तरह बेइज्जत करने की? अंजलि बिटिया चाहत रही कि खुशी मिस कश्यप को थोड़ा सलीका सिखाए। वो सारा दिन आपके बारे में सोचते और आप इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बहुत इज्जत किए आप अपन दीदी की। साथ छोटे ये साले साहब कहाँ चले गए और रानी साहिबा वो कहाँ है? फोन पे तो बहुत परेशान लग रही थी। दामाद जी आप कोनो रांग एड्रेस पर चले गए थे का? अंजलि तो कह रही थी कि आप दुइये मिनट में वापस आ जाए। वो हम असल में हमारा पाँव गाड़ी के दरवाजे पे लग गया था। है? लगता है कि जो घाव भर गया था वो फिर से खुल गया। ओह माय गॉड। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए यह हुआ क्या? अंजलि बिटिया खुशी बिटिया को यहाँ बुलाई रही। उन्हें देख के छोटे हमेशा की तरह भड़क उठे और न जाने का का कह बैठे अंजलि बिटिया को। तो गलती तो रानी साहिबा की है। अरे उन्हें उस लड़की को यहाँ इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था, ये जानते हुए कि साले साहब को वो एक आंख नहीं भाती। उन्हें माफ कीजिए दामा जी, आपकी ई बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। गलती अंजलि बिटिया की नहीं, छोटे की है। गलती चाहे जिस किसी की भी हो नानी जी, माहौल तो पूरे घर का खराब हो रहा है ना। शायद आप ठीक ही कह रही हैं नानी, पर हमें कहीं ना कहीं पहले से ही डर था कि ये जो कुछ भी कर रही हैं उससे उनके और साले साहब के बीच में कुछ झगड़ा हो सकता है और तकलीफ उन्हीं को होगी। नानी जी हम कुछ भी होते हुए देख सकते हैं, पर रानी साहिबा को तकलीफ पहुंचे ये हमसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। रानी साहिबा दरवाजा खोलिए प्लीज। रानी साहिबा हम हैं, दरवाजा खोलिए प्लीज। रानी साहिबा। दामाद जी रात गुजर जाने दीजिए, हो सकता है कल सुबह तक गुस्सा ठंडा हो जाए। हाँ दामा जी, सासू माँ ठीक ही कहत है, आज की नाइट आप गेस्ट रूम में सुई जाइए, हम कमरा साफ करवा देते। जयप्रकाश से कह के चलिए, आइए सासू माँ।